रिश्ते आप अपने जीवन में कैसे चाहते हैं, समृद्धि में आप क्या चाहते हैं, किस तरह का घर, किस तरह की लाइफस्टाइल, क्या सब कुछ जो आप चाहते हैं, कितनी उम्र तक आप जीना चाहते हैं, इवन आप देश के लिए क्या करना चाहते हैं, वो जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, बाहर की इस दुनिया में करते हुए पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको पहले अपने अंदर करना पड़ेगा और होते हुए देखना पड़ेगा। यानी कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड आपको अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा जो भरा हुआ हो डिफरेंट इमेजेस से। कौन सी इमेजेस? जो आपको प्लेजर दे रही हो, जो आपको खुशी दे रही हो, आपकी मनचाही बनाई हुई दुनिया। हेलो, आप तक मैं पहुंच रहा हूं। यानी कि इस बाहर की दुनिया के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो परिणाम है। बीज जो लगेगा पहले, चिंता इस बात की नहीं करनी कि फल फ्रूट किसके आएंगे, वो तो ऑब्वियसली क्लियर है, जो लगेगा समय के साथ में वही निकलेंगे एक दिन। तो बाहर की दुनिया परिणाम है, लेकिन अगर वो अंदर आपने क्लियर नहीं किया, दैन प्रॉब्लम है। तो आपको सबसे पहले अपनी मनचाही दुनिया कहां बनानी है? अपने अंदर बनानी है, अपने अंदर के संसार में, जो सब कुछ कनेक्टेड है हर जगह, और क्लियर पिक्चर तैयार करनी है आपको। कंफ्यूजन नहीं चाहिए इसको, राइट? तो वो दो चीजें मैंने आपको जो बताई कि आपको अपने आप को उन कल्पनाओं के जरिए, उन इमेजेस के जरिए ये बताना पड़ेगा कि मुझे लाइफ में क्या, और ये उसको फॉलो करे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजों को ही फॉलो करता है। तो इंपॉर्टेंस बताने के लिए आपको ये बताना पड़ेगा कि ये मुझे क्यों, और जब आप ये क्यों पर जाओगे तो आपका कोई ना कोई इमोशन इसको सपोर्ट करेगा, राइट? वो इमोशन अगर गेन का है तो आपका दिमाग समझ जाएगा कि दिस इज द थिंग व्हाट यू वांट सीरियसली, और वो पिक कर लेगा। बस यही तक का मेन खेल है। ये अगर हो गया तो फिर आगे वाली पिक्चर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम में से जितने लोग भी यहां पर हैं सक्सेसफुल लोग, आप विश्वास कीजिए, अगर हमसे कोई 12 साल पहले पूछता कि नेटवर्क कैसे बनेगा इतना बड़ा, तो उस कैसे का जवाब 12 साल पहले मेरे पास नहीं था। कौन आएगा, कहां से आएगा, मेरे पास उसका जवाब ही नहीं था। बस मेरे पास मेरी अंदर की दुनिया थी कि मुझे ये चाहिए, और मुझे विश्वास था कि ऊपर वाला, ऊपर की एनर्जी मेरे साथ कनेक्टेड है, तो जो मैं चाहूंगा मेरे लिए होगा, मेरे लिए प्रकृति करेगी। तो उसका तरीका है स्टेप बाय स्टेप कि हम अपने आप को इतना इंटरनल शांत बनाना पड़ेगा हमको, कि हमारे जो पास्ट बैड एक्सपीरियंसेस हैं भी, जो कलेक्शंस हैं, जो बैड यू नो प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, अवेयरनेस इज अ प्रोसेस जिसके जरिए से हम समझ सकते हैं और हमको डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि इन चीजों का इफेक्ट अब मुझे नहीं सोचना। मैं कब फेल हुआ, कौन फेल हुआ, कितने लोग इस बिजनेस में आके फेल हुए, कितने लोगों ने छोड़ दिया, उस बात से मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मेरी सक्सेस मेरे से शुरू हो रही है, और अब मुझे आज से अपने भविष्य की नींव आज डालनी है, बस इस बात से मेरा मतलब है। मुझे आज से, आज तक क्या हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज मैं कहां पर हूं, आज से मुझे सिर्फ ये डिसाइड और डिक्लेयर करना है कि अब आने वाले इस वक्त में मैं कहां पर खड़ा होऊंगा, और मेरी जिंदगी का आयाम क्या होगा, परिणाम क्या होगा, और उस जिंदगी का आधार क्या होगा। बस मुझे सिर्फ उसके बारे में विचार करना है। यह हुआ एक एक्शन। एक्शन बी, अब जब मैं इस पर फोकस करूंगा तो लगातार ये एनर्जाइज करने से मेरा सबकॉन्शियस मुझे अपने आप सपोर्ट करेगा। किस प्रकार से? ये यूनिवर्स सपोर्ट करेगा किस प्रकार से? ये मुझे अब, इफ आई एम कमिटेड, इफ आई एम फोकस्ड, तो ये मुझे अपने आप आइडियाज देना शुरू कर देगा, व्हाट शुड आई डू, राइट? सो जब डिसीजन इनसाइड होगा, किस बात का, फ्यूचर के निर्माण का, इस बात की सोचे बगैर कि अब तक क्या हुआ, कहां से हूं, क्या नहीं हूं, क्या बैकग्राउंड है, फर्क नहीं पड़ता। एंड इट हैपेंस इन एवरीथिंग। आपके रिलेशन के बारे में भी यही सिद्धांत काम करेगा। आपका रिलेशनशिप जिससे आप बनाना चाहते हैं, अपने परिवार, अपने लिए सिग्निफिकेंट लोग, अगर आपसे अच्छा नहीं है, भूल जाइए आज अभी इस समय अब तक क्या हुआ। स्टार्ट फोकसिंग, स्टार्ट बिलीविंग, अब जो चाहिए उस पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए।